टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में भेजे गए। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। 15 अप्रैल तक सीएम केजरीवाल न्यायिक हिरासत में भेजे गए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में अब सीएम अरविंद केजरीवाल रहेंगे। तो शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को 15 दिन की जेल हुई। कोर्ट से केजरीवाल ने किताबों की मांग की। तो कोर्ट में पेशी के पहले अरविंद केजरीवाल बोले, पीएम जो कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं। केजरीवाल ने ये भी कहा कि पीएम जो कर रहे हैं वे ठीक नहीं कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में सीएम केजरीवाल भेजे गए हैं। राहुल गांधी कोर्ट में न्यायिक हिरासत में केजरीवाल को भेजा है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में अब सीएम अरविंद केजरीवाल रहेंगे। कोर्ट से केजरीवाल ने किताबों की भी मांग की। तो कोर्ट में पेशी के पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम जो कर रहे हैं वे देश के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली के सीएम और इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर आज 11 बजे करीब अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी जो है वो उनके कोर्ट के समक्ष पेश हुई, और यहाँ तक कि अब कहीं ना कहीं और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईडी की तरफ से जिस तरीके से ये कहा गया कि लगातार कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल, मगर अब अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कहा गया है कि विजय नायर जो है वो कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करते थे, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। यानी कि सीधा कहीं ना कहीं आतिशी और सौरभ भारद्वाज अब आपकारी नीति के अंदर कहीं ना कहीं गिरफ्त में आ सकते हैं, और इसी को लेकर अब ईडी का अगला कदम क्या होगा। मगर यहां पर बात करें अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से 15 दिन की न्यायिक हिरासत में बिल्कुल भेजा गया है, और दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर अब अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक बिल्कुल रहेंगे। और यहां तक की ये भी जानकारी मिल पा रही है कि 5 नंबर जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल की गई है, और 5 नंबर जेल के अंदर ही अरविंद केजरीवाल को अब 15 अप्रैल तक रहना होगा। जी, ईडी ने कहा कि केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड जो है नहीं बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें पासवर्ड को लेकर लगातार ईडी की तरफ से बयान किए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, फोन का पासवर्ड नहीं बताया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी यही कहा गया था कि जब ये फोन इस्तेमाल किए गए थे तब आबकारी नीति को लागू नहीं किया गया था, यानी कि उसके बाद की जो रणनीति है, यानी कि चुनाव की जो रणनीति है जिसमें इंडिया गठबंधन की बात करें उसको लेकर कहीं ना कहीं जानकारी बिल्कुल मोबाइल में बताई जा रही है, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं अब जो अरविंद केजरीवाल है वो पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें ईडी की, तो ईडी की तरफ से इसीलिए फोन का पासवर्ड नहीं बताया जा रहा है, मगर ईडी के द्वारा कहीं ना कहीं कहते हैं एप्पल जो कंपनी है उससे भी जानकारी जुटाई जा रही है, उससे भी बातचीत की जा रही है ताकि अरविंद केजरीवाल के जो मोबाइल का पासवर्ड है वो जाना जा सके। मगर यहाँ पर दुविधाएं ये बनती नजर आ रही है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पासवर्ड नहीं बता रहे हैं और अब सौरभ भारद्वाज और आतिशी का भी नाम बिल्कुल शामिल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर आम आदमी पार्टी की बनती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से अब 15 दिनों के न्यायिक हिरासत के अंदर अरविंद केजरीवाल भेजा गया है उससे तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की और ज्यादा मुश्किलें बन सकती हैं। जी, दिल्ली सीएम ने जेल में 3 किताबें मांगी है, गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल की तरफ से जेल के लिए कहीं ना कहीं 3 किताबें मांगी गई है, मगर उन 3 किताबों को लेकर वो जेल के अंदर बिल्कुल जाएंगे और उस किताबों को भी कहीं ना कहीं ईडी की तरफ से दिया जाएगा। मगर पहले ईडी की कस्टडी के अंदर अरविंद केजरीवाल थे, अब दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल रहेंगे। मगर यहाँ पर बात करें 15 दिनों तक की जो कस्टडी बढ़ाई गई है या फिर 15 दिनों तक जेल के अंदर रहेंगे अरविंद केजरीवाल, उसके दौरान क्या पूछताछ की जाएगी या फिर ये कहें कि वो जेल के अंदर ही रहेंगे और
और तो जो सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिए गए हैं, क्या ईडी उनसे संतुष्ट है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के द्वारा फोन का पासवर्ड नहीं देना अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरीके से अब दो और नेताओं के नाम शामिल हो रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की और मुश्किलें बनेगी। और वैसे ही 2024 के लोकसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, उसका प्रचार भी चल रहा है, तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं चुनावों के अंदर बिजी होनी चाहिए थी, मगर वो आबकारी नीति के अंदर उलझती हुई नजर आ रही है। जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने पत्नी सुनीता से भी मिलना चाह रहे हैं, तो क्या मिलने दिया जाएगा? देखिए, यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल की तबियत को लेकर भी कहीं ना कहीं यह कहा गया था कि उनकी तबियत खराब ही रहती है, इसीलिए कहीं ना कहीं उनकी दवाइयों के बारे में कहा गया था। दूसरा, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी से मिलना चाहते हैं, यानी कि लगातार उनसे संपर्क करना चाहते हैं, तो उसको लेकर भी अभी तक पूरी तरीके से स्पष्टता नहीं रखी गई है। मगर यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल की पत्नी को बीच बीच में शायद उनसे मिलने के लिए अनुमति जरूर दी जा सकती है, मगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल अब आबकारी नीति के अंदर कहीं ना कहीं अब दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर रहेंगे, जो 15 अप्रैल तक उनकी कस्टडी बढ़ाई गई है और 15 दिनों तक जेल की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जाएगी, और 5 नंबर जेल के अंदर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा वहां से कौन कौन उनसे मिल सकता है, तमाम जानकारी जो है वो ईडी की जानकारी के अंदर मौजूद रहेंगी। जी, सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि जो ये कर रहे हैं देश के लिए ठीक नहीं कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल के द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर बार बार टिप्पणी की जा रही है, बार बार कई आरोप लगाए जा रहे हैं, आज भी वही प्रक्रिया जो है वो अपनाई गई। अरविंद केजरीवाल के द्वारा बिल्कुल कहा गया कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो विदेश के लिए हित में नहीं है, देश के लिए गलत कदम उठाए जा रहे हैं, और इसका हर्जाना कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर शायद भुगतना पड़ सकता है, और इसका चुनाव के अंदर जनता बिल्कुल स्पष्ट करेगी कि वाकई में कौन सी सरकार सत्ता के अंदर आएगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी पीएम को लेकर या फिर कहें प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, उससे तो कहीं ना कहीं लगातार जनता तक मैसेज पहुंच रहा है कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है वो जनता ही स्पष्ट कर रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बनी है और जांच एजेंसियां जो लगातार कार्रवाई कर रही है उससे तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और ज्यादा गिरफ्त में आ चुके हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आबकारी नीति जो है वो बड़ा घोटाला होता हुआ या फिर कहें बड़ा घोटाला जो है वो माना जा रहा है, और इस बड़े घोटाले के अंदर काफी और नाम जो है वो शामिल हो सकते हैं। जी, तो हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव कुमार तिवारी जुड़े थे, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।